नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बैतूल की। पानी के लिए यहां पर आदिवासी तरस रहे हैं, एक एक बूंद को तरस रहे हैं। उत्तरी बर्रा गांव के आदिवासी पानी की किल्लत से परेशान हैं, पीने के लिए नाले का गंदा पानी निकाल रहे हैं। गांव के दो हैंडपंप पूरी तरह से सूखे हुए हैं। इसी नाले से पानी इंसान भी पी रहे हैं, जानवर भी पी रहे हैं। पीएचई विभाग ने गर्मी से पहले बंदोबस्त नहीं किए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बैतूल की कि कितना गंदा पानी पीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण। यहां पर लोग तो पी ही रहे हैं, आम इंसान भी पानी पी रहा है, पर इसी के साथ साथ जानवर भी यहाँ का पानी पीने को मजबूर हैं। ये गंदा पानी, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ से पानी भर भर के ग्रामीण लेके जा रहे हैं। ये बैतूल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए आदिवासी तरस रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव के दो हैंडपंप हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं, इसी नाले से पानी पी रहे हैं। जानकारी के लिए सहयोगी रिशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिशु, बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है कि यहां पर ग्रामीण गंदा पानी, नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों इतना तरस रहे हैं और कितने लंबे वक्त से ऐसी स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, काफी ये जो तस्वीरें सामने आई है भीमपुर ब्लॉक के उत्तरी बर्रा गाँव की है, डोडा ग्राम पंचायत से आता है। और ये केवल एक साल की तस्वीर नहीं है, इसी साल की तस्वीर नहीं है, ये हर साल ग्रामीणों को इसी तरह से पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। और जो पहाड़ी नाले हैं और छोटे छोटे पोखर खोद के इसी तरह मटमैला पानी पीते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि नए बोरवेल खुदवाए जाएं, नए हैंडपंप खुदवाए जाएं, लेकिन जो पीएचई विभाग है उनका बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं होता। हर साल गर्मी के पहले पीएचई विभाग ये दावा करता है कि इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं कि किस तरह से ग्रामीण वो पानी पी रहे हैं जो मवेशी भी पी रहे हैं और ग्रामीण भी वो पानी पी रहे हैं। और ये पानी भी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिलता, गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर इन्हें आना पड़ता है ये पानी लेने। फिलहाल जो पीएचई विभाग फिर से ये दावा कर रहा है कि 2-4 दिनों के अंदर कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन अब देखना होगा ये कब हो पाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रिशु। दबों में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर जल संकट पर हरकत में प्रशासन आया है, टैंकर भेजकर खत्म किए पानी की समस्या। जिला प्रशासन ने जारी किया है वीडियो। बता दें न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और उसके बाद संज्ञान लिया गया है। पानी के लिए कुएं में भी उतरे थे लोग और परेशान होते नजर आए थे, उसके बाद संज्ञान लिया गया और टैंकर भिजवाकर जो है लोगों को राहत यहां पर पहुंचाई गई। पानी की समस्या को लेकर के जो वीडियो वायरल हुआ था उस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले से ही हमारी टीम वहाँ के लिए सतर्क रही है। वहाँ पर एक मोटर पंप ऑलरेडी चालू है जिसके माध्यम से पानी लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा टैंकर्स के माध्यम से भी पानी की सप्लाई की जा रही है। जल्दी ही हम लोग वहाँ पर जो कुएँ या बोरवेल हैं अधिग्रहित करने का काम भी कर रहे हैं ताकि पानी की किसी प्रकार की। खरगोन का जिक्र करेंगे। नर्सरी और जंगल में भीषण आग लगी है। बलखवाड़ा वन क्षेत्र का यह पूरा मामला है। करीब 3 एकड़ के जंगल में आग लगी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए भीषण आग की, किस तरह से यहां पर नर्सरी और जंगल में भीषण आग लगी है। देखते देखते इसने विकराल रूप लिया और सब कुछ जल करके नाश हो गया। ग्रामीण मौके पर तमाम कोशिशें करते रहे आग बुझाने की और कड़ी मशक्कत इसमें करनी पड़ी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशुतोष पुरोहित हमारे साथ
जुड़ गए हैं। आशुतोष, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से भीषण ये आग लगी है, कैसे ये आग लगना बताई जा रही है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? ऋतु, मैं बताना चाहूंगा आग लगने का कारण तो फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। ये ककरावत विधानसभा है, इसमें बलकवाड़ा थाना, बलकवाड़ा वन क्षेत्र एक कहलाता है, उसमें एक नर्सरी वन विभाग की बताई जा रही और वहां पर ये आग देर शाम की घटना बताई जा रही कि आग लगी और आग में आप जिससे न्यूज 18 जो तस्वीर दिखा रहा है आप देख सकते हैं आग किस प्रकार से फैली हुई। और उसमें खास बात कड़ी मशक्कत ये करना, वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंच गई है, डिप्टी रेंजर जो ककरावत के वो मौके पहुंच गए, लेकिन कड़ी मशक्कत ये करना पड़ रही कि जंगल में जाने का जो रास्ता रहता है, जो नर्सरी बनाई गई वहां जाने का रास्ता नहीं है और रास्ता ना होने की वजह से जेसीबी के माध्यम से रास्ता बनाया जा रहा है। फिर फायर जो खरगोन, ककरावत और ठीकरी, बड़वानी जिले के ठीकरी से फायर पहुंचे थे, उनसे आग पे काबू पा, कुछ हद तक आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन रात का अंधेरा हो जाने से अभी भी आग जो है थोड़ी फैली हुई है। विशेष खरपतवार और जो चारा लगा रहता है कुछ पौधे हैं उनमें आग लगी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, दुखद खबर यही है। और वन विभाग की टीम और जो ग्रामीण है वो मौके पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी रात का अंधेरा है लेकिन कल सुबह तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात धमतरी के खेत में, भीषण आग लगी, पराली जलाने के दौरान ये आग भड़क गई, कई एकड़ में ये आग फैलती चली गई, आग बुझाने में ग्रामीण लगातार जुटे रहे। ये धमतरी की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पे पराली जलाई जा रही थी और इसी दौरान ये आग भड़क गई और देखते देखते इसने विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आपके सामने, कई एकड़ फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। और अब बात सरकारी सिस्टम की लापरवाही की करेंगे। मामला जबलपुर का है जहां मौत के 4 दिन बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मृतक के परिजन पीएम के लिए पिछले 4 दिनों से मेडिकल अस्पताल और मेडिकल